हेलो एवरीवन, जो लोग CUET PG के एग्ज़ामिनेशन जैसे फर्स्ट से स्टार्ट हो चुके हैं, सभी लोग देने जा रहे होंगे, मगर उसमें एक ऐसा नोटिस आता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के सबको लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया। तो उसका क्लैरिफिकेशन NTA ने अपनी वेबसाइट पे बहुत ही क्लियरली डाला है कि जनरल MBA, BEd एंड सोशल वर्क, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कोड भी मेंशन है, जिनके की एग्ज़ामिनेशन होने थे 5th, 7th और 11th को। तो 5th, 7th और 11th को एग्ज़ामिनेशन तो होगा, मगर हाफ़ स्टूडेंट्स का होगा। अब हाफ़ स्टूडेंट्स का एग्ज़ामिनेशन क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो एग्ज़ामिनेशन अटेंड करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड दिस इज़ अ कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट। तो सेंटर पे इतना एकोमोलेशन नहीं हो पा रहा होगा, जिसकी वजह से NTA ने सेकेंड शिफ्ट को कन्वर्ट कर दिया है 12th को। मतलब जनरल MBA के भी जो आधे बच्चे रह जाएंगे वो 12th को एग्ज़ामिनेशन देंगे, BEd के भी और सोशल वर्क के भी। तो जिनका 1st से लेकर 6th सितंबर तक एग्ज़ामिनेशन है, उनका ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इन सब्जेक्ट के जो हाफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड आ चुका होगा, और जो सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्ज़ामिनेशन होगा 12th को, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो CBT जो है, मोर देन 500 सेंटर्स पे एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद ऑल द न्यूज़ कि NTA ने एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिया, अब PG के एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे। तो इस तरीके की न्यूज़ आएंगी, बट प्लीज़ बी क्लैरिफाई, बिकॉज NTA ने देखिए पब्लिक नोटिस देखे ये सब चीज़ें क्लियर की हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ द वेरी हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द NTA CUET PG, और इसके ऊपर मैं और भी अपडेट्स आपको दूंगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड आई कैन से दिस टाइम, बिकॉज इसकी के बाद लोग